हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन यू चेतना। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक। यू नो, अभी आपको मेरे वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका नाम है शादी सीरीज़, जिसके अंदर आपको ब्राइडल मेकअप लुक, संगीत मेकअप लुक और एक ब्राइडल को अपने मेकअप किट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो गाइस, बिना देरी करते हुए मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने ये ब्राइडल मेकअप लुक कैसे रेडी किया है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फेस सीरम। आप चाहें तो कोई भी फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं, मैं बायोटिक का फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर, जो कि बहुत अच्छा प्राइमर है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मेकअप प्रोडक्ट सेम यूज़ करती हूँ, पर आप लोग ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि सेम मेकअप प्रोडक्ट से मैं कितने टाइप का मेकअप कर सकती हूँ, तो आपको कोई अलग अलग मेकअप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगर्ल का कंसीलर, जिसको मैं अपनी अंडर आई एरिया पर और अपनी आई एरिया पर अप्लाई कर लूँगी आई के कलर को इवन बनाने के लिए, और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करते हुए अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का न्यूड पैलेट, जिसमें से ब्लैक आई शेडो पिक कर रही हूँ और एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर गैप को फिल कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फिल कर रही हूँ। ब्राइडल मेकअप लुक के लिए आपको आईब्रो जो है बोल्ड रखनी चाहिए, ताकि आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आए और आपका मेकअप शार्प दिखे। उसके बाद मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रो को सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का आई हैट पैलेट, उसमें से डार्क चॉकलेट कलर पिक करूँगी और उसे अपनी आई की आउटर वी पर एक ट्रांजिशन कलर की तरह डिफाइन करूँगी। और इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं फ्लफ़ी ब्रश। तो सबसे पहले मैं अपनी आई का ट्रांजिशन कलर दे दूँगी और आउटर वी की साइड पर जो है इस चॉकलेट कलर को बोल्ड अप्लाई कर लूँगी। और याद रहे, आपको ब्लेंडिंग जो है आई शेडो की बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप आई शेडो की ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी आईज़ अच्छी नहीं दिखेगी। तो जिस तरीके से मैंने अपनी लेफ़्ट आई पर आई शेडो को ब्लेंड किया है, उसी तरीके से मैं अपनी राइट आई पर भी जो है आई शेडो को ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं पिक कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो, जिसको मैं अपनी आउटर वी पर जहाँ पर मैंने ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया था वहीं पर ही ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लूँगी और एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट में से पिक किया एक लाइट कलर, जिसे अपनी आईलिड पर और आउटर वी इनर वी की ओर जो है अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है यूरोपकल का ग्लिटर पैलेट, उसमें से मैं ब्राउन कलर जो है पिक कर रही हूँ और अपनी फिंगर की हेल्प से ग्लिटर को अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। यू नो, ग्लिटर जो है बहुत हेल्पफुल रहता है ब्राइडल मेकअप लुक के लिए। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक लेके अप्लाई करना है आईलाइनर को, क्योंकि ग्लिटर अप्लाई करने के बाद लिक्विड आईलाइनर को अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का काजल, जिसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। और अगर आपके पास में वाइट काजल हो तो आप वाटर लाइन पर अप्लाई कर सकते हो, इससे आपकी आईज़ जो है थोड़ी शार्प और बड़ी दिखेगी। तो यहाँ पर जो मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ बहुत लाइट अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं स्मजर की हेल्प से उसे स्मज कर दूंगी तो वो काजल जो है बोल्ड हो जाएगा। काजल को स्मज करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का वॉल्यूमलाइज मस्कारा, जिसे मैं अपनी लैशेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो ग्लिटर मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई किया था, उस सेम ग्लिटर को अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी,
ताकि मेरी लोअर लैश लाइन थोड़ी शाइन करे। उसके बाद में मैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी एक हाईलाइटर ब्रश की हेल्प से, या फिर प्रिसाइज ब्रश आप बोल सकते हैं। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का फाउंडेशन, जिसका शेड और प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर पर लिया है और डैब डैब करते हुए फाउंडेशन को बहुत अच्छे से अपनी फेस पर सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मैट मैजिक कॉम्पैक्ट। अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के बाद कॉम्पैक्ट को अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर पैलेट, उसमें से मैं कंटूरिंग के लिए ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ और अपनी जॉ लाइन की और फोरहेड की, इन सब की अपने फेस की कंटूरिंग कर लूँगी। ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट में से ब्लश पिक कर रही हूँ और अपनी एप्पल ऑफ द चीक पर जो है ब्लश अप्लाई कर लूँगी। ये मास्टर पैलेट का जो ब्लश है वो थोड़ा शाइन है, जैसे आपके जो एप्पल ऑफ द चीक है वो अच्छे से शाइन करेंगे। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सेम पैलेट, उसमें जो हाइलाइटर है उसमें अपनी नोज़ पर ज़्यादा फोकस करते हुए क्यूपिड्स बो फॉरहेड और आईब्रो के नीचे थोड़ा अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। ऐसे आपके फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे और आपका मेकअप थोड़ा शार्प और शाइनी दिखेगा, जो कि ब्राइडल मेकअप लुक के लिए एकदम परफेक्ट है। लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं मेबलिन का ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑरेंजिश रेड कलर का है। अपने लिप्स को अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। फेसेस अल टाइम प्रो रेड रेबल शेड, और उसे अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। ये मेरा फेवरेट रेड कलर शेड है और ये ब्राइडल मेकअप लुक के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप भी अगर ब्राइडल मेकअप लुक रेडी करना चाहते हो तो ये लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि फेसेस का है, और वेट ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से मेकअप को सेट कर लूँगी। तो आप मेरा फाइनल ब्राइडल मेकअप लुक देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेरा मेकअप लुक काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, और जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं और ज्वेलरी मैंने वेयर की है उनके लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप गिव अवे में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो गिव अवे का रिजल्ट भी मैं बहुत जल्दी दे दूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।